जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले समझते हैं नेचर का मतलब क्या होता है। दोस्तों नेचर का मतलब होता है टाइप्स, बिहेवियर। जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर और बिहेवियर होते हैं, ठीक उसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के भी अलग अलग नेचर और टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में वन बाय वन हम इसके नेचर की स्टडी करते हैं। तो दोस्तों नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं एक सिंपल सा ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक से आप इसके पॉइंट्स को कभी नहीं भूल पाओगे। तो ट्रिक ये है दोस्तों, यूज गूगल पे फॉर बिजनेस, कैश अवॉइड कर मेरे भाई। वंस अगेन, यूज गूगल पे फॉर बिजनेस, कैश अवॉइड कर मेरे भाई। तो दोस्तों यू से आपका बनता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जी से आपका बनता है जनरल गाइडलाइंस, पी से आपका बनता है प्रिंसिपल आर फ्रेम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, एफ से बनता है फ्लेक्सिबिलिटी, बी से बनता है बिहेवियरल इन नेचर, सी से बनता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ए से बनता है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। आइए दोस्तों वन बाय वन एक एक प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल मींस एवरीवेयर, सभी जगह। एप्लीकेशन का मतलब यूज करना। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर ऐसा होता है जिसे कहीं भी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पानीपुरी से लेकर पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया से लेकर इंडोनेशिया, सभी जगह ये यूज होते हैं। बट दोस्तों इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिजनेस के साइज और नेचर पर डिपेंड करता है। बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। दोस्तों 14 प्रिंसिपल ऐसा नहीं होता कि कंपलसरी होते, इन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम या कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसे कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन हमें यह बताता है कि अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर वेजेस और सैलरी देनी चाहिए। बट दोस्तों अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहां के एम्प्लॉय को 20,000 भी इनफ होगा। बट दोस्तों अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो वहां पर एम्प्लॉय को 1,00,000 देना प्रॉपर होगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइज और नेचर पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक दिन या एक रात में नहीं बने हैं, बल्कि दोस्तों इनको लिखने के पीछे हमारे हेनरी फ्योल की तो पूरी जवानी खत्म हो गई। दोस्तों हेनरी फ्योल ने अपनी एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन पर काफी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने इन 14 प्रिंसिपल को लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबल। बिजनेस दिन ब दिन दोस्तों बदल रहे हैं। कोरोना से पहले आप लोग जॉब पे जाकर अपना काम किया करते थे, बट दोस्तों कोरोना के बाद आप लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। दोस्तों इसका यह मतलब हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू अवर नीड चेंज किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिहेवियरल इन नेचर। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर के बिहेवियर पर डिपेंड होता है। अगर आपका मैनेजर राजपाल या जॉनी लीवर जैसा होगा तो आप लोग हंसते खेलते मैनेजमेंट में काम करोगे, लेकिन दोस्तों अगर आपका मैनेजर नाना पाटेकर जैसा होगा तो आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दोस्तों कॉज का मतलब होता है रीजन और इफेक्ट का मतलब होता है उसका रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को प्रॉपर वेजेस और सैलरी दी, दोस्तों ये हुआ कॉज। उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपने अपना एडवर्टाइजमेंट भी इफेक्टिव तरीके से कराया तो आप भी दोस्तों सीएम से पीएम बन सकते हो, क्योंकि आपने वो एड तो सुना ही था, अब की बार मोदी सरकार। बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट की, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस।
दोस्तों हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से ना तो कोई प्रिंसिपल छोटा है और ना ही कोई प्रिंसिपल बड़ा है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में सभी प्रिंसिपल को इक्वल वैल्यू दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन ऑफ वर्क फॉलो किया, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो किया, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क नहीं होगा तो दोस्तों आपको टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर इक्वली फोकस करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।